जैसे कि नाली और कैसे हैं आप सभी लोग। तो जिस तरीके से 250 कंटेंट आप लोग के लिए अपलोड होना चालू हो चुका है और आज मैं आप लोग के लिए सेकंड चैप्टर लेकर आई हूँ केमिस्ट्री का, जो कि आप लोग के हाफेली में आने वाला है। तो हम लोग बिल्कुल हाफेली की तरफ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक एक चीज डीप में समझने वाले हैं। तो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है केमिस्ट्री का, आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आई बटन में भी आप लोग को पिन कर दूंगी कि जिससे कोई तकलीफ तुम लोगों को ना हो। साथ ही साथ ये वही तुम्हारा ही चैनल है, ठीक है, जिसको तुमने बहुत प्यार दिया था, ड्रीम्स लर्निंग वाला चैनल, जिसको अब हमने थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है, उसका द हसलर्स कर दिया है, क्योंकि अब हमें हसल करनी है इस चैनल पर और बहुत अच्छे 95 से प्लस मार्क्स हमें लेकर आना है क्लास 10th में। तो आप लोग की सोशल साइंस का कंटेंट आने लग गया है हर्षित सर के थ्रू, और सकीना दी ये तुम्हारी जो हसलर्स दीदी है बिल्कुल, वो तुम्हारा साइंस का कंटेंट या तुम्हें कंप्लीट करवाने वाले, वो भी एकदम धासो और तगड़े मीम वाले तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर हमारा जो रहने वाला है चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। यार बहुत ही प्यारा चैप्टर है, क्या होता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वो हम लोग जानेंगे। तुम लोग के घर में कभी तुम लोग ने एसिड देखा है कि ये मेरे घर में होता है कि तुम्हारे भी घर में होता है, मुझे बताना। हमारे घर में पता है क्या होता है कि बहुत ही बार जब ड्रेनेज सिस्टम नहीं चलता तो मम्मी क्या करती है कि मतलब जो वॉशरूम का ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, यार एसिड डाल दे इसमें, तो जो भी मतलब पानी नहीं जाता है ना तो जाने लग जाएगा। तो थोड़ी देर हम उसे रखते हैं और उसके बाद पानी जाने लगता है, ठीक है। बहुत तेज हो रहा है। तो ऐसा तुम लोग के साथ भी होता होगा शायद, या होता है या नहीं होता है मुझे बताना, कि मेरी मम्मी ऐसा बोलती है कि तुम्हारे यहाँ भी ऐसे कोई सीन होते हैं। तो वहाँ मैंने सबसे पहली बार देखा था कि ये एसिड हमारे घर में भी पाया जाता है, एसिड हमारे पेट में भी पाया जाता है। हाँ हाँ, वही पेट जहाँ तुमने पिज्जा बर्गर ठूस रखे है, पानी पूरी है ना, सब ठूस रखी है, वही पेट में भी तुम्हारा पाया जाता है। और बहुत सारी ऐसी जगह, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स है कि जहां हमारा एसिड पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो एसिड क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। तो एसिड क्या होता है, एसिड को पहचानते कैसे, सारी चीजें देखने वाले। एसिड का टेस्ट कैसा होता है ना, एसिड का टेस्ट होता है थोड़ा सा खट्टा, सॉर टेस्ट होता है। ये किस तरीके से इसका सॉर टेस्ट यहाँ होता है, थोड़ा सा हल्का सा खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है। अब एसिड का टेस्ट खट्टा होता है ये हमें कैसे पता चला, देखो यार एसिड हमारे घर में पाई जाने वाली बहुत सारी चीजों में पाया जाता है, जैसे हमारा हो गया कर्ट। हाँ, जब तुम लोग वही कर्ट, जब तुम लोग एग्जाम देने जाते हो ना तो मम्मी तुम्हें दही की एक चम्मच चखाती है ना, कि बहुत अच्छे से कर आना, चाहे तुम्हारा कोई भी एग्जाम हो, हमारे बोर्ड से पहले, हमारे प्री बोर्ड से पहले हमें कर्ट चखाया जाता है। लेमन जूस, जो कि तुम लोग को पता ही है नींबू खट्टा आता है, ऐसा हम लोग करके देखते तो हमें बड़ा खट्टा होता है। और बहुत तेज हो रहा है, ऑरेंज भी खट्टा आता है, ठीक है। ऑरेंज जूस एंड विनेगर, विनेगर मतलब जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सिरका या सरका, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको मोस्टली हमारे घरों में यूज किया जाता है। तुम लोग अपनी मम्मी से पूछ रहे हो तुम्हें क्या पता होगा, ठीक है, कि मम्मी सिरका यूज करते हो विनेगर यूज करते हो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि विनेगर की एक बॉटल आती है, कलरलेस आता है, पानी जैसा ही दिखता है, उसे सिरके को कभी पानी समझ के मत पी जाना, ठीक है। तो ये तो कुछ हुई हमारी एसिड की बातें, कि एसिड में क्या क्या हमारी प्रॉपर्टीज रहती है और कौन कौन सी डेली यूज की चीजों में हमारा एसिड पाया जाता है। अब मैं अगर बेस की बात करूँ ना, तो बेस कैसा होता है, कड़वा होता है। किस टाइप से पता चला दीदी कि बेस कड़वा होता है, अरे यार किस टाइप से क्या पता चला, बचपन से हम बेस खाते हुए आए, कैसे खाते हुए, तुम लोग बात करने जाते हो, नहाने जाते हो, तो बहुत सी बार क्या होता है, नहाने में जो मतलब हमारा जो सोप होता है उसकी जो फोम बनती है, जो फीन बनता है, तुम्हारे मुंह में तो गया ही होगा ना आज तक, वैसे ऐसे करके तुम लोग बिल्कुल कहाँ कहाँ चला जाता है वो तुम लोग को भी पता है। वाह क्या सीन है। तो वो हम लोग को कभी कभी हमारे मुंह में चला जाता है तो पता चलता है ये सब कड़वा कड़वा है, इसका टेस्ट है, और ठीक है, और कैसा टच होता है उसका, सोपी टच होता है, ऐसे ऐसे तुम लोग करते हो तो एकदम फिसल जाता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ लेकिन यार यहाँ में पिघल गया ना, तो वैसा ही कैसा टच होता है इसका, सोपी टच होता है। जैसे हम लोग अगर जो लोग शावर जेल यूज करते होंगे तो यार तुम्हारी कहाँ बात है, ठीक है। अब जो हम लोग के जैसे बेचारे बिल्कुल हम गरीब इंसान, हम लोग सोप यूज करते हैं तो उसका इतना सोपी टच होता है कि नहाते नहाते वो सोप ना ऐसा नीचे गिर जाता है, फट से उसका एकदम सोपी सोपी सा टच होता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करो तो सोपी टच में आप लोग का हो गया, मतलब बेस में हो गया बेकिंग सोडा, जो कि हमारे सभी के घरों में पाया जाता है और खाने में भी बेकिंग सोडा यूज होता है। सोप हो गया, जैसे अभी मैंने बोला कि सोप से जो नहाते होंगे उनको पता होगा कि सोप बड़ा सोपी टच और बिटर बिटर होता है, ठीक है। एंड वॉशिंग पाउडर, कपड़े वपड़े धोते हो तब तुम लोग को पता होगा, है ना, नहीं तो रईस जैसी जिंदगी है तो तुम्हें वो भी नहीं पता होगा।
चलिए अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले टॉपिक के, इसमें इंडिकेटर। तो इंडिकेटर दीदी क्या होता है? तो इंडिकेटर की बात करो तो ये हमारा वो गाड़ी वाला इंडिकेटर नहीं है कि जिसको तुम लोग है ना गाड़ी चलाते चलाते हम राइट इंडिकेटर देते या लेफ्ट इंडिकेटर देते, तो वो इंडिकेटर ये नहीं है। हाँ, काम ये उसी तरीके से करता है। क्या होता है कि उस इंडिकेटर में हम क्या करते हैं कि हमें राइट टर्न लेना होता है तो हम लोग राइट वाली लाइट लगा देते हैं इंडिकेटर में, और लेफ्ट टर्न लेना होता है तो लेफ्ट वाली राइट लगा देते हैं। और जो बहुत महान लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, ना तो राइट लाइट लगाते हैं ना लेफ्ट लाइट लगाते हैं। उनको अगर राइट मुड़ना होता तो ऐसे ऐसे हाथ देते हैं, ठीक है, और लेफ्ट मुड़ना होता तो ऐसे ऐसे हाथ देते कि रोक के भैया। तरीके के बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं तो उनका बहुत ही ऊंचा मकाम है, बहुत ऊंचे महान लोग में वो लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ इंडिकेटर, जैसे हम लोग गाड़ी में इंडिकेटर हमें डायरेक्शन बताता है, यहाँ इंडिकेटर हमें बताएगा कि वेदर द सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। तो ठीक है, यहाँ इंडिकेटर भी वही चीजें कर रहा है कि कुछ चीजें इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन पे चलूं मैं, तो तुम लोग को पेपर में क्या लिख के आना, ये नहीं लिख के आना कि गाड़ी का इंडिकेटर डायरेक्शन बताता है और ये इंडिकेटर बताता है कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस। अब तुम लोग को थोड़ी प्यारी सी भाषा में लिख के आना कि जो तुम्हें प्यारे से नंबर तुम्हारे एग्जामिनर। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस डेट आई यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक, देखो, और बेसिक, है ना। कोई एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस है जो हमें बताएगा कि ये जो हमारा सब्सटेंस है ये एसिडिक है या फिर बेस है, ठीक है। तो दो सब्सटेंस, दीज सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर्स। तो तुम लोग देख सकते हो ऐसे सब्सटेंस को हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपने कलर को चेंज कर देते तब हमें पता चलता है, इनके कलर के थ्रू हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वेदर इट इज एसिड और वेदर इट इज बेस, ठीक है। आगे चलते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत प्यारा चैप्टर है, ठीक है। अब देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, तीन टाइप के कुछ इंडिकेटर हम लोग को इस चैप्टर में आप लोग को पढ़ने हैं। पहला होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, जो नेचुरल चीज है, नेचर्स में जो पाई जाती है, जो मैन मेड चीज नहीं हो, जो हमने ना बनाई हो, नेचर ने खुद ने बनाई हो, जैसे ये पेड़ पौधे पानी नदी, है ना, ये सारी क्या है, नेचुरल चीज है। जो डैम है ये हमने बनाया है, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। ज्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं हो जाता क्या? तो तुम लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि नहीं दीदी ये स्पीड अच्छी है या फिर थोड़ा सा धीरे बोला करूं मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिटमस तुम लोग ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो तुम्हारे स्कूल में अब तुम्हें एक लिटमस दिखा देंगे, लिटमस पेपर। ये भी एक हमारे ट्री से ही लिटमस बनता है, ठीक है। रेड कैबेज हो गया, तो ये नेचुरल चीज़ है। टर्मरिक मतलब जो हल्दी पाई जाती है, बहुत सारे लोग हल्दी का निखार भी है ना ऐसा चेहरे पे लगाते हैं ऐसा गोरे गोरे होने के लिए। अनियन पाया जाता है जिसको हमें आंसू बड़े टपकते रहते हैं। वैनिला और क्लोव, ठीक है, तो एक्सेट्रा। वैनिला सोच के आइसक्रीम बड़ा याद आ गया है ना, तब मन तो चलता रहता है क्या सही पकड़े हैं से भी, है ना, ठीक है। किसी को दी होगी तुमने, खिलाई होगी आइसक्रीम, है ना, बड़ी पार्टी शार्टी देते रहते हो तुम लोगों को, ठीक है। तो ये पहला टाइप का हमारा इंडिकेटर हो गया है। या सेकंड टाइप के इंडिकेटर की अगर मैं बात करूँ तो मेरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है कि जो अपनी स्मेल को चेंज कर दे, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ डेफिनेशन, सब्सटेंस विद चेंज देयर ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल को चेंज कर दे विद एसिड एंड बेसिस आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। मतलब अगर एसिड होगा तो कुछ अलग स्मेल आएगी और कुछ बेस होगा तो कुछ अलग तरीके की स्मेल आएगी। हम लोग की मेरी नाक बड़ी तेज है ना, मेरी मम्मी ऐसा बोलती रहती है, कुत्ते की जैसी नाक है ना इस टाइप का मम्मी मुझे कॉम्प्लीमेंट देती रहती है, बिकॉज मेरी नोज बड़ी तेज है। मतलब जब मैं छोटी थी तो मम्मी जो नाइफ से, अगर मम्मी ने अनियन कट करे और उसी नाइफ से अगर एप्पल कट करके मुझे दे दिया है तो मैं एप्पल को खा के बता देती थी कि इसमें ना अनियन का टेस्ट आ रहा है, इसलिए मेरी मम्मी ये कॉम्प्लीमेंट देती है, ठीक है। मेरे यहाँ कोई भी चीज खराब हो जाती है तो मुझे स्मेल करवाने लाते, देखना ये चीज अच्छी है या खराब, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल्स हमारा अनियन हो गया, ठीक है, वेनिला हो गया और क्लोव हो गया, तो इसकी स्मेल से हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर्स इज सिंथेटिक इंडिकेटर, जो कि हमारे फैक्ट्री लेबोरेटरीज में पाया जाता है। इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम आर्टिफिशियल सब्सटेंस डेटा सिंथेसाइज इन लेबोरेटरीज आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है, लेबोरेटरीज में पाया जाता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हो जाता है मेरा मिथाइल ऑरेंज, फिनॉप्थेलिन, ये दो मेरे एग्जाम्पल, ये पहला और ये हो गया हमारा दूसरा टाइप का एग्जांपल। तो आप लोग को देख सकते हो ये दो एग्जांपल आप लोग को दिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एसिड के, कि अब हम लोग को डीप में पढ़ना है कि एसिड क्या होता है। अभी तक दीदी आपने बता दिया सॉल्ट टेस्ट होता है, मतलब खट्टा होता है, जैसे दही हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, लेमन जूस हो गया और विनेगर, ठीक है। तो सॉल्ट टेस्ट सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। एसिड क्या करता है, ब्लू एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। चलो मैं बताती हूँ ये कि ये क्या बीमारी है ना, अब ये क्या लोचा है दीदी, ये कैसे होता है। चलो अब मेरे पास ना एक एसिड
एसिड सॉल्यूशन है, लेट अस कंसीडर कि ये वाला जो सॉल्यूशन है ये एसिड सॉल्यूशन। मेरे पास मेरे को एक दिया गया है ब्लू लिटमस पेपर दिया गया है। जब जैसे ही मैंने ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डाला तो इट टर्न्स रेड, ठीक है, ये अपना कलर चेंज करके ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। अब तुम लोग बात करोगे कि दीदी अगर ब्लू लिटमस की जगह हमें रेड लिटमस पेपर ही दे दिया गया तो देखो, तो अगर मैं रेड लिटमस पेपर को इसमें अगर डालूंगी तो यहाँ कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो जाता है तब पता चलता है कि इट इज एसिड, ठीक है, ये क्या है मेरा एक एसिड है। और अगर तुम रेड लिटमस पेपर डाल दोगे तो कोई चेंज नहीं होगा। वैसे ही अगर तुम ये रेड लिटमस पेपर को इसमें डालते हो जो कि मेरे पास एक बेस सॉल्यूशन है, तो रेड लिटमस पेपर क्या शो करने लग जाता है, ब्लू कलर शो करने लग जाता है। तो ये ब्लू रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, तो देखो रेड लिटमस पेपर ये रहा रेड लिटमस पेपर, ठीक है, इसको हमने सॉल्यूशन में डाला तो इसका कलर कैसा हो गया, यहाँ ब्लू हो गया। देखो डालते से ये इतना कलर दिख रहा है तुम्हें, ब्लू होता हुआ, है ना। और वैसे अगर मैं बात करूँ कि दीदी इसमें हम लोग ब्लू लिटमस पेपर डाल दे, तो चलो मैं ब्लू कलर का लिटमस पेपर ले आती हूँ, ये रहा तुम्हारी दीदी ने ब्लू कलर का लिटमस पेपर ले आई है, ठीक है, तो इसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो तुम समझ जाना कि मतलब इसमें कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो इट इज़ बेस, है ना, मतलब कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। तो जब ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा एसिड सॉल्यूशन है। और जब रेड लिटमस पेपर हमारा ब्लू में चेंज हो जाता है तो वो सॉल्यूशन हमारा बेस है। तो ये तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं। तो ये लिटमस पेपर का आप लोग का छोटा सा आप लोग को याद रखना है, ब्लू लिटमस जब रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा एसिड, और जब रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो वो होता है हमारा बेस। चलिए आगे चलते हैं हम लोग के, हमारे पास थर्ड पॉइंट होता है कि एसिड गिव्स एच प्लस आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है बेटू देखो, ये जैसे मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, इसमें मैंने पानी डाला, ये ले लेते बीकर, पानी में मैंने क्या डाल दिया, एसिड के कुछ ड्रॉप्स डाल दिए, हाँ ये एसिड भी मैं डाल रही हूँ। तो जैसे ही हम लोग ने एसिड को पानी में अगर हम लोग डाल रहे तो हमें क्या मिलता है, इट प्रोड्यूस एच प्लस आयन्स, ये हमारे एच प्लस आयन्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो तुम लोग को याद होना चाहिए कि जब हम लोग किसी पानी में एसिड को डाल रहे हैं तब क्या होता है, एच प्लस आयन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। कौन से आयन्स प्रोड्यूस करेगा, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वही है, हमारा वाटर है, यहाँ एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वाटर। तो ये तुम्हारी कुछ एसिड की प्रॉपर्टीज है। आगे चलते हैं, ये लिटमस टेस्ट मैंने बता दिया तुम लोग को, टाइप्स ऑफ एसिड, यहाँ बहुत सारे टाइप्स के एसिड होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, ताकतवर, है ना, है सुल्तान, ऐसा वो वाला, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है यार, एसिड जो कि ना बहुत ज़्यादा एच प्लस आयन्स हमारे रिलीज कर सके वाटर में, तो वो होता है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये बहुत सारे एच प्लस आयन्स रिलीज कर सकता है। वीक का मतलब कि जो बहुत कम एच प्लस आयन्स रिलीज करे, ठीक है, जब उसको पानी में मिलाया जाए उसी एसिड को तो बहुत कम एच प्लस आयन रिलीज कर सके। स्ट्रॉन्ग का मतलब कि जब उस एसिड को पानी में मिलाया जाए तब वो बहुत ज़्यादा H प्लस आयन्स रिलीज कर रहा हो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स होते हैं आप लोग के HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, ठीक है। वीक एसिड्स के आप लोग के एग्जांपल्स हैं आप लोग CH3COOH, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। तो आप लोग को ये याद रखना है, ये आप लोग को पूछा जाता है, तो आप लोग इसको IMP लगा सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड क्या होता है। तीसरे टाइप के, दो टाइप के और एसिड होता है हमारे पास, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। एंड इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेटेड का मतलब बच्चा कि देखो अब हमने क्या बोला कि जब हमारे पास पानी होगा और एसिड होगा, दो चीजें कि अब हमने कंसंट्रेटेड में बात करी कि जब हमारे पास एसिड ज्यादा होगा और पानी का अमाउंट कम होगा। देखो कुछ कुछ अमाउंट में होंगे कि एसिड भी कुछ अमाउंट में है और हमारा पानी भी कुछ अमाउंट में। जब एसिड, ये वाला एसिड ज्यादा है और पानी मेरा कम है, तब हम लोग बोलेंगे कि कंसंट्रेटेड एसिड है। और इसी का उल्टा डाइल्यूट एसिड, जब मेरे पास पानी मोर अमाउंट ऑफ वाटर है और लेस अमाउंट ऑफ एसिड है, पानी बड़ा ज्यादा है, ठीक है, और एसिड बड़ा कम है, तब हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा डाइल्यूट एसिड है। आई होप तुम लोग को ये चारों एसिड समझ में आ गए होंगे, स्ट्रॉन्ग, वीक, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। अब बात करते हैं बेस की, कि जिस तरीके से दीदी आपने बताया था बेस हमारा सोपी टच होता है, ठीक है ना, एकदम वो वाला डव का सीन आता है ना कि एकदम प्यारी सी निखार, है ना, बहुत तेज हो रहा है। तो बिटर इन टेस्ट, हम लोग को बहुत सी बार सोप मुंह में चला जाता है तो पता चलता है कि बिटर होता है टेस्ट में। अब ये तुम लोग को अभी बताया, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो हम लोग ने बताया कि रेड लिटमस पेपर को मैंने डाला तो देखो ये इसने क्या कर दिया, इसका कलर ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, दिख रहा है ये, आई होप क्लियर हुआ, ठीक है। अब साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि बेस गिव OH माइनस आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो वहाँ जब उसको एसिड को पानी में हम लोग डाल रहे थे तब वो H प्लस आयन्स हमारा रिलीज कर रहा था, तब
तुम ये मत सोचो ना कि बेस में H माइनस आयन करेगा, H माइनस करेगा पर इसके साथ O भी है, OH माइनस आयन से रिलीज करेगा जब बेस को हम, देखो ये एक बेस है, मान लो ये पिंक कलर का तुम्हारा बेस है और इसको ये वाला बेस है, ये जो ड्रॉपलेट से ये बेस है और ये वाला पिंक कलर का ये वाटर है, तो जब इस वाटर को, बेस को वाटर में डाल देंगे तब ये OH माइनस आयन को रिलीज करेगा, ठीक है। तुम लोग को पता है कि दीज आर द सब्सटेंस विच आर स्लिपरी एंड सोपी इन टच, समझ रहे हो? तो ये बड़ा प्यारा तरीके से तुम लोग को लग रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेस के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जिस टाइप से हम लोग को एसिड को पढ़ा है, बेस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप है? एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक बेस होता है और अल्कलीज होते हैं, ठीक है। तो अब स्ट्रॉन्ग और तुम लोग वीक तो समझ ही गए होंगे एसिड को पढ़ के, जो बेस बहुत ज़्यादा OH माइनस आयंस रिलीज करता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स होते हैं NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, ठीक है। तो मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वीक बेसिस की बात करूँ तो ऐसे बेसिस जो बहुत कम OH माइनस आयन, बहुत लेस रिलीज करे, ये हाई लिख देती हूँ, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट रिलीज करता है उसको बोलते हैं हम वीक बेसिस, है ना। ये लेस अमाउंट ऑफ OH माइनस रिलीज करे तो वो वीक बेसिस, और इसका एग्जाम्पल है NH4OH, तो आप लोग को याद रखना है। अल्कलीज की बात करूँ तो ऐसे बेसिस जो कि पानी में सॉल्यूबल हो, वैसे ना बेसिस बेटा इनसॉल्यूबल होते, तुम लोग को ये याद रखना है, पर कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो सॉल्यूबल होते हैं हमारे पानी में, तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, उनको हम लोग अल्कलीज बोलते हैं। तो इनका नाम याद रखना, जैसे मेरा नाम है सकीना, ठीक है, तुम्हारा नाम भी प्यारा सा होगा, मेरे प्यारे भाई बहनों का नाम है ना, प्यारे बच्चे पार्टी का नाम, तो ये अल्कलीज होते हैं। तो ये कुछ हो गए हमारे एसिड और बेसिस, और टाइप्स ऑफ एसिड देखा, टाइप्स ऑफ बेस देखा हमने, एसिड को पानी में डाल रहे तो H+ आयंस होते हैं और बेस को अगर पानी में डालते तो हमारे OH- आयंस प्रोड्यूस होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में बात करूं मैं अगर तो आप लोग की बहुत ही अच्छी तरीके से तुम लोग को समझ में आ जाएगा यहाँ लिटमस पेपर की बात, कि देखो अगर मैंने रेड लिटमस पेपर, देखो मैंने बोला था कि अगर तुम लोग एसिड में रेड लिटमस पेपर डालोगे तो रेड ही रह जाएगा, पर अगर तुम ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो इट टर्न्स रेड। तो देखो ये ब्लू लिटमस पेपर डाला था, ये देखो ये ब्लू कलर है ना, तो ये नीचे से क्या अच्छा हो गया, रेड हो गया, ठीक है। तो ये पता चल जाता है कि हमारा एसिड है। अब मैं बेस की बात करूँ तो बेस में अगर तुम लोग ने ब्लू लिटमस पेपर डाला तो वो रिमेन्स ब्लू ही हो जाएगा, मतलब ये वाला, ठीक है। पर अगर तुमने रेड लिटमस पेपर डाला तो इसका कलर चेंज होके ये ब्लू कर देगा, देखो ये नीचे, ठीक है, दिख रहा है, है ना। न्यूट्रल की बात करूं तो मैं अगर तुम लोग रेड डालोगे तो वो लिटमस पेपर रेड ही हो रह जाएगा, और अगर तुम ब्लू डालोगे तो ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रह जाएगा, तो वो क्या हो जाता है हमारा न्यूट्रल, है ना, बीच का बंदर, ठीक है। तो कैसा होता है न्यूट्रल, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। हमारे दोस्तों में भी कुछ होता है ना कि जो एक तो इसकी पार्टी में होता है, एक उसकी पार्टी में होता है, और जो बीच में होता है जो इसकी पार्टी में भी जाएगा और उसकी पार्टी में भी जाएगा, ना मुझे तो दोनों से दोस्ती नहीं माने, तो वो कैसा होता है बीच का बंदर हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रल जो है हमारे, ये है बीच का बंदर, सही पकड़े हैं बंदर, तब तुम लोग को याद रखोगे। चलिए बेटू आइडेंटिफिकेशंस की बात करते हैं। अभी तक हम लोग ने एसिड्स देखे थे HCl, ठीक है, मतलब जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मानते हैं, तो उसमें हमारा था HCl मतलब हाइड्रोजन कंटेन है, देखो, ठीक है। दूसरा हमने देखा था H2SO4 मतलब इसमें भी हाइड्रोजन कंटेन है। तीसरा हमने देखा था HNO3, मेरा पेन बहुत खूबसूरत चल रहा है तो तुम नजर नहीं लगाओगे, ठीक है, तो इसमें भी हाइड्रोजन कंटेन है। तब तुम्हारे लिए क्वेश्चन यहाँ आता है कि ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड, जितने भी कंपाउंड्स हमारे हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं तो वो क्या एसिड होते हैं? जल्दी जल्दी सोचो, टिक 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 टिक, दिमाग की बत्ती जलाओ, मिंटोस खाओ, ठीक है। तो इसका आंसर है बेटू फॉल्स। अब तुम लोग बोल रहे होंगे कि दीदी इसका आंसर फॉल्स क्यों है, एक बात मुझे बताओ, H2O ये भी तो फिर हमारा पानी, इसमें भी तो हाइड्रोजन कंटेन है, ये H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, तो क्या पानी एसिड है? तुम दिन में 24 घंटे जो पीते हो, कितने घंटे पीते, आई डोंट नो, अच्छा, पर वो क्या तुम एसिड पीते हो? नहीं, कब से मर जाते हैं हम एसिड पीते तो, है ना, प्यार मोहब्बत में लोग ऐसे स्टंट्स करते हैं, पर हम नॉर्मल इंसान है, ठीक है। तो ये इसका आंसर फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन जो भी कंपाउंड कंटेन करता है वो सभी कंपाउंड्स हमारे एसिड्स नहीं होते, तो कुछ कुछ होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल तुम लोग को बताया H2O, उसमें भी हाइड्रोजन होता है पर वो एसिड नहीं है, कि न्यूट्रल कंपाउंड है, तो तुम लोग देख सकते हो इट इज न्यूट्रल। NaOH की बात करूं तो इसमें भी ये रहा हाइड्रोजन कंटेंट है, पर NaOH एक बेस है आप लोगों के लिए। हमारे पास शुगर का एक फॉर्मूला होता है C12H22O11, तो ये हमारे पास एक शुगर होती है, देखो इसमें भी हाइड्रोजन यहाँ कंटेंट, इसमें भी ये रहा हाइड्रोजन और इसमें भी ये रहा हाइड्रोजन, तो यार सब जो कंपाउंड सभी हाइड्रोजन कंटेन करते हैं वो एसिड नहीं होते, तो इट्स मिथ, ठीक है। ओके,
चलो अब हम लोग बात करते हैं, हम अब आ चुके हैं रिएक्शंस और लोचे पर, हम लोग अब आ चुके हैं। तो देखते हैं हम लोग इसमें किस तरीके से बात करते हैं। मैंने बोला कि मेरे पास कोई एक एसिड है, एसिड को मैंने एक मेटल से रिएक्ट करवा दिया। अब तुम लोग को मेटल्स के नाम तो बहुत अच्छे से पता होंगे, ठीक है, या फिर तुम लोग ने अगर बहुत अच्छे तरीके से क्लास पढ़ी होगी, है ना, आठवीं सातवीं छठी, तो तुम लोग को आते होंगे, नहीं तो तुम गोते ही खाओगे और तुम्हारी सकीना दीदी को सुलायता बिल्कुल समेटना पड़ेगा तुम्हारे रायते को, है ना। जब मैंने बात करी कि कोई मेटल है मेरे पास, उसको मैंने अगर एसिड से रिएक्ट करवा दिया है तो वो क्या मेरे को देगा। तो देखो कोई मेटल है, उसको मैंने एसिड से रिएक्ट करवाया तो ये मुझे प्रोडक्ट्स में देगा, एक सॉल्ट होगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ निकल रही होगी, ठीक है। मेटल कौन सा ले, चलो जिंक ले लेते हैं। तो ये जिंक हमने मेटल ले लिया, ये देखो मेटल है। एसिड कौन सा ले, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, चलो तुम लोग ने बोल दिया तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ तुम्हारी दीदी तुम्हारे हिसाब से चलती, तुम्हारी हसलर्स दीदी। चलो जब जिंक को हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया तब मुझे मिलता है ZnSO4, मतलब जिंक सल्फेट यहाँ पर मुझे मिल रहा है। और यहाँ तुम लोग को पता ही है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, तो तुम लोग बस डायरेक्टली H2 को निकाल देना, है ना। ये सॉल्ट कौन बना, जिंक सल्फेट इज आवर सॉल्ट, ठीक है। मेटल हमारा था ZN और एसिड था H2SO4, सॉल्ट बन गया जिंक सल्फेट। अब इसकी हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जो तुम्हारी NCERT में दी है और जो तुम्हें परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है, इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो अब हम लोग पता है ये पता लगा रहे कि क्या इसने झूठ तो नहीं बोला है कि जब हम लोग एक मेटल को एक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन की गैस इवॉल्व होती है, हम लोग को चेक करना है। चलिए CID है ना, हम लोग जासूस बन के चेक कर रहे हैं। अच्छा हमको सिखा रहा है, तब हमने क्या लिया, चलो मैं पहले सेटअप तुम लोग को समझा देती हूं। इस सेटअप में हमारे पास एक स्टैंड है, जिस स्टैंड से हम लोग ने एक टेस्ट ट्यूब को ऐसे पकड़ रखा है, ऐसा ऐसा ये बीच में टेस्ट ट्यूब है, इसको ऐसे पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब हो गई हमारी, साथ ही साथ इसके एक डिलीवरी ट्यूब हमने अटैच करवा रखी है। हमने कंटेनर में सोप सॉल्यूशन डाल रखा है और यहाँ एक कैंडल है, तो ये सेटअप तुम्हारा हो गया। अब मैं बताऊँ कि हम लोग ने किसको किससे रिएक्ट करवाना है, तो तुम लोग को पता है कि मेटल को हमें किससे एसिड से रिएक्ट करवाना है। चलिए भाई साहब, तो हमने इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया है हम लोग ने मेटल के कुछ ग्रेनुअल्स डाल दिए, तो देखो ये जिंक के हम लोग ने ग्रेनुअल्स डाल दिए। साथ ही साथ कौन सा एसिड लिया था, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब क्या, कि पानी ज्यादा होगा और एसिड का बहुत कम अमाउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पानी ज्यादा ले लिया हमने, ठीक है। तो पानी में हमने क्या बोला, जिंक ग्रेनुअल्स डाले और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है हमने। अब क्या होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, तुम लोग को पता है क्या मिलेगा, हम लोग को एक सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही होगी, निकलेगी। तो चलिए भैया साहब, हम लोग को पता लगाना है हाइड्रोजन गैस निकल रही है कि नहीं, चलिए जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो क्या होगा, अब हम लोग ने यहाँ एक डिलीवरी ट्यूब निकाल लगाई है इसे, जैसे ही हाइड्रोजन गैस यहाँ से इन्वॉल्व होगी तो इस डिलीवरी ट्यूब से यहाँ से इस कंटेनर में पहुँच जाएगी, और इस कंटेनर में मैंने सोप सॉल्यूशन भरा है, तो इस सोप सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस टकराएगी और यहाँ से क्या करेंगे, वो बबल्स के फॉर्म में निकलने लग जाएगी। जैसे ये बबल्स के फॉर्म में निकलेगी तो हम लोग समझ जाएंगे कि सोप सॉल्यूशन के साथ हाइड्रोजन गैस थी, इसीलिए वो बबल्स के फॉर्म में निकल रहा है। अब हम लोग को चेक करना है कि क्या सच्ची में भी ये जो हाइड्रोजन गैस है ये जो बबल्स के फॉर्म में निकल रही है, क्योंकि ये बबल्स में भी तो हाइड्रोजन गैस है, इसीलिए हमने इस कैंडल को लगाया है। ये कैंडल क्या करेंगे, कैंडल की फ्लेम जैसे ही इस बबल्स पर टच हुई ना, तो ये सब पट 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 मतलब पॉप वाला एक साउंड हम लोग को देगी। देखो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड, तो इससे हम लोग को पता चल गया कि हाँ ये जो गैस थी वो कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस थी। तो चलो यार भाई साहब, ये लोग पास हो चुके हैं ना, टॉपिक पर हम लोग चलते हैं कि हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। अब लोग अभी तक हम लोग ने करा था कि मेटल को हम लोग ने एसिड से रिएक्ट करवा था, अब मेटल कार्बोनेट को या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम एसिड से रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। ये मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है, मतलब दोनों एक ही बात। जब इसको एसिड से रिएक्ट करवाएंगे बेटू, तो हम लोग को यहाँ मिलेगा सॉल्ट मिल रहा है और वहाँ H2O मिल रहा था, कब, जब हमने एक एसिड को किससे रिएक्ट करवाया था, मेटल से, तब हम लोग को मिल रहा था सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। वहाँ हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी और यहाँ हमारे सॉल्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है, साथ ही साथ हमें वाटर मिल रहा है। तो प्रोडक्ट में हमें तीन चीज़ें मिल रही है, सॉल्ट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस इवॉल्व हो रही है और पानी मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो चलिए सबसे पहले हम लोग ने मेटल ले लिया है, यहाँ मेटल कार्बोनेट लिया है Na2CO3, ठीक है, और साथ ही साथ मैंने एसिड लिया है HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। अब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई तो मुझे
पता है मेरे पास एक सॉल्ट मिलेगा, एक CO2 गैस मिलेगी और साथ ही साथ मुझे H2O मिलेगा, मतलब वाटर मिलेगा। तो NaCl ये क्या हो गया, मेरा सॉल्ट हो गया, तो सॉल्ट मिल गई, H2O मिल गया, मतलब हम लोग को पानी मिल गया लिक्विड फॉर्म में, और CO2 मतलब ये CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। तो ये क्या था, हमारा सोडियम कार्बोनेट था जिसको Na2CO3 हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग ने ये मेटल कार्बोनेट का टेस्ट तो करवा लिया कि मेटल कार्बोनेट किस तरीके के एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। इन लोगों की भी अलग अलग रिएक्शन होती है ना, तुम्हारी भी जीवन में अलग अलग केमिस्ट्री चल रही होगी ना, किसी की कुछ है ना। यहाँ केमिस्ट्री में हम देखते हैं आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की केमिस्ट्री किस तरीके से एसिड के साथ चल रही है। तो मेटल हाइड्रोजन मतलब NaH, ये H मतलब हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग ने जब HCl के साथ रिएक्ट करवाया है तो मुझे एक सॉल्ट मिल रहा है, यहाँ NaCl जो कि ये सॉल्ट है मेरा, ठीक है, H2O मिल रहा है मतलब पानी मिल रहा है हम लोग को, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकल रही है। तुम लोग ने एक चीज़ नोटिस करी, क्या नोटिस करी, जो सही बताएगा उसको बहुत प्यारी चीज मिलेगी, है ना। चलो कि इन दोनों में प्रोडक्ट्स क्या है, सेम है। तुम लोग ने पता नहीं क्या नोटिस करते रहते हो यार, मतलब जो नोटिस करना थी वो कर लो, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मुझे यहाँ पे हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए मैंने देखा कि इन दोनों में क्या करा है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस इवॉल्व हो रही है इसमें और इसमें। तो मैंने इस कार्बन डाइऑक्साइड की गैस को किसके साथ रिएक्शन करवा दी, CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैंने रिएक्शन करवाई है। क्यों रिएक्शन करवा रही हूँ, अब वापस हमें CID की तरह पता लगाना है कि यार सच्ची में भी ये CO2 की गैस इवॉल्व हो रही थी कि नहीं हो रही थी। तो सी ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब मैंने CO2 को रिएक्ट करवाया तब मुझे एक मिल जाएगा CaCO3, मतलब एक वाइट PPT मिल रही है, ठीक है। तो जब ये वाइट PPT मिल जाएगी इसका मतलब यहाँ ये है कि यहाँ सच्ची में भी जब हम लोग ये CO2 की गैस जो निकल रही है ना इसके साथ हम लोग जब कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें वाइट PPT मिल जाएगी। इसका ये सबूत है कि ये सच्ची में CO2 गैस इवॉल्व हो रही है और साथ ही साथ वाटर मिल जाएगा। तो इसका भी एक एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म कर देते हैं। एक्टिविटी से तुम लोग को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के। वैसे ही सेम हम लोग ने अभी सेटअप जैसा पढ़ किया है वैसे ही सेम सेटअप है। इसके ऊपर एक स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब लगी हुई है इसको। ये स्टैंड क्या है, टेस्ट ट्यूब को पकड़ता है, जकड़ के रखता है ना, जैसे बहुत सारे लोग किसी को जकड़ के रखते हैं ना, ठीक है। साथ ही साथ एक डिलीवरी ट्यूब भी लगी हुई है, देखो ये डिलीवरी ट्यूब लगी है। एक दूसरी भी अनदर सेकंड टेस्ट ट्यूब यहाँ आप लोग को दिखाई दे रही होगी। पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोग ने देखा है कि हम लोग को एक मेटल कार्बोनेट मतलब मैंने यहाँ ले लिया है, कौन सा, सोडियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक है, Na2CO3। साथ ही साथ उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ रिएक्ट करवाएंगे हम लोग। तो तुम लोग को पता है क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है हम लोग को, वाटर मिलता है और CO2 गैस मिलती है। तो हम लोग को देखना है कि सच्ची में भी ये CO2 गैस गई है कि नहीं। और यहाँ देखो दो डिलीवरी ट्यूब लगाई है, तो देखो जो भी CO2 गैस इवॉल्व होगी ना तो इस डिलीवरी ट्यूब से भी जाएगी और एक इस डिलीवरी ट्यूब से भी जाएगी। तो इस डिलीवरी ट्यूब से गई और इस वाली टेस्ट ट्यूब में हम लोग ने क्या डाला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैंने सॉल्यूशन डाला है। देखो तुम लोग को बताया था ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाला है और CO2 गैस इसमें गई, तो मतलब क्या मिलना चाहिए, एक वाइट PPT मिलना चाहिए, ये वाली वाइट PPT हमें मिलना चाहिए। चलो तो यहाँ ना हम लोग ने पहले से इस टेस्ट ट्यूब में क्या बन रखा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कि इस कलर का दिख रहा है ना तुम लोगों को, ये येलो हल्का सा मटमेला येलो टाइप का, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जैसे ही इसमें CO2 गैस यहाँ से उतरेगी तो ये दोनों रिएक्ट करके एक वाइट PPT बना लेगा। देखो यहाँ क्या हो जाएगी, एक वाइट PPT बन जाएगी, तो एक वाइट PPT बनी, दैट मीन्स या विजय भवा, तुम लोग सफल हुए और सच्ची में भी यहाँ CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। इससे हमें पता चला, किससे पता चला, क्योंकि इसमें वाइट PPT बन रही है जो कि हमें ये इंडिकेशन दे रही है कि हाँ यहाँ CO2 गैस इवॉल्व हुई। और जब इस CO2 गैस को हम लोग ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करा है तब हम लोग की एक वाइट PPT यहाँ इस टेस्ट ट्यूब में बन जाएगी। वाइट PPT बनानी है, चलो वाइट कलर से बना देते हैं ना, तुम लोग की दुविधा कंप्लीट हो जाएगी। ये वाइट PPT हमने बना ली है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग को क्या करना है, अभी तक ना हमने एसिड के बड़े बड़े अलग तरीके से रिएक्शन करवा रखे हैं, मेटल के साथ करवा रखा, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, पर यार अब हम क्या करते हैं, मुझे एसिड और बेस का ही साथ में रिएक्शन करवाना है ना, अब मुझे अलग रिएक्शन करवाना है कुछ। जब मैंने एसिड और बेस का रिएक्शन करवाया तब मुझे क्या मिल जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा, ठीक है। अब एसिड तुम लोग को पता है HCl, H2SO4, HNO3, बहुत सारे एसिड होते हैं, बेस में NaOH है ना, बहुत सारे बेसिस होते हैं। तो चलो एसिड को जब मैंने बेस के साथ, ये बेस है NaOH हमारा, ये बेस भी लिख देती हूँ उस पर, और HCl डेट इज माई एसिड, तो इसके ऊपर मैं A लिख देती हूँ। इन दोनों को जब मैं रिएक्ट करवाऊंगी तो तुम लोग को पता है मुझे सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, मतलब NaCl मिल रहा है जो कि मेरा सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जो कि हमारे घरों में हम जो खाने में खाते हैं है ना, वही सॉल्ट है। साथ ही साथ H2O मतलब यहाँ पानी हमारा निकल रहा है, H2O भी हमारा वाटर है, ठीक है। तो आप लोग को मिलता है और इस रिएक्शन को तुम लोग को पूछा जा सकता है, इस रिएक्शन को हम लोग को मेनली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके,
न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन का क्या मतलब होता है, यहाँ देखो यार बच्चे, जब एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है ना तो हम लोग बेस डालते हैं, तो वो ना देखो एसिड क्या है, एसिड को कौन काटता है, बेस काटता है, और बेस को कौन काटता है, एसिड काटता है, मतलब जहर जहर को काटता है। वाह क्या सीन है। यहाँ एसिड अगर बहुत ज्यादा बोले, एसिड बोले मैं ताकतवर हूँ, तो यहाँ बेस आ गया कि चल चल ना चुपचाप बैठ जा, ठीक है मैं तेरे को पूरा न्यूट्रलाइज कर दूंगा कि तेरी कोई ताकत रह नहीं जाएगा। अगर यहाँ बेस बोलता है कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ, तो यहाँ एसिड बोलता है चल चल तेरे में भी कोई ज्यादा दम नहीं है, मैं भी तुझे न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब एसिड और बेसिस को हम साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देते, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर यहाँ मुझे मिल रहा होता है, ठीक है। तो NaOH बेस प्लस एसिड को हमने NaCl मिलता है और H2 मिलता है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस तो इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो पढ़ लेते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड अ वाटर, वाटर है ठीक है यार बेटा इसको सही कर लेना, WATER वाटर आर नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं हम लोग, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। मेटल ऑक्साइड को अगर हम लोग एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो तुम इसमें प्रोडक्ट देख रहे हो बिल्कुल सेम है, हिला डाला ना। तो देखो यहाँ भी सोल्ट प्लस वाटर ही मिल रहा है, जब मैं किसी मेटल ऑक्साइड को हम लोग का एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मुझे प्रोडक्ट वैसे ही सेम मिलेंगे जैसे मैंने मेटल अभी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया था। मेटल ऑक्साइड कोई भी मेटल है उसके आगे ओ लिख देना, जैसे जिंक है तो जिंक के आगे ओ लिख दो तो वो ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। Fe है, आयरन है तो उसके आगे ओ लिख दो तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जैसे ये है CuO, ठीक है। तो ये हम लोग का CuO के जब मैंने HCl के साथ रिएक्ट करवाया तब मुझे सॉल्ट मिलेगा, कौन सा सॉल्ट मिल रहा है, CuCl2 प्लस H2O यहाँ मिल रहा है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड को तुम लोग जब एक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाता है, ठीक है। अब तुम लोग पढ़ो, सिंस मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट्स एंड वाटर सिमिलरली टू द रिएक्शन ऑफ द बेस एंड द एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी अ बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। क्या तुम लोग देख सकते हो, अब मैं अगर ऐसी बात करूं कि यहाँ नॉन मेटल ऑक्साइड ले लो और उसको बेस के साथ अगर रिएक्ट करवाओ तब भी मुझे सेम प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब तुम मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ तब भी हम लोग को सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, या फिर नॉन मेटल ऑक्साइड को तुम बेस के साथ रिएक्ट करवाओ, मेरा पेन बहुत बुरा चल रहा है, तो या तुम नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ बिल्कुल रिएक्ट करवाओ तब भी हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा होता है। तो या तुम लोग देख सकते हो कि तीन चीज़ों में हमें प्रोडक्ट सेम मिल रहे हैं, जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवा रहे तब हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है, साथ ही साथ जब हम मेटल ऑक्साइड और एसिड को रिएक्ट करवाए तब मुझे सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है, जब हम नॉन मेटलिक ऑक्साइड यहाँ देखो प्लस बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा होता है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, आई होप तुम लोग को तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और ये मेटल ऑक्साइड का कैसा नेचर हो गया, मतलब ये बेसिक नेचर हो गया, क्योंकि हम लोग बेस और एसिड को जब रिएक्ट करवाते हैं तभी हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, तो यहाँ मेटल ऑक्साइड का बेसिक नेचर हो गया और यहाँ नॉन मेटल ऑक्साइड का एसिडिक नेचर हो गया, ये लिख देती हूँ एसिडिक नेचर हो गया, ठीक है। बेस और एसिड को रिएक्ट करवाते तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ मेटल ऑक्साइड का बेसिक नेचर है और यहाँ नॉन मेटल ऑक्साइड का एसिडिक नेचर है, बिकॉज एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर देन द प्रोडक्ट इज सॉल्ट प्लस वाटर। चलिए अब नेक्स्ट एक बड़ा धमाकेदार प्यारा सा टॉपिक हमारा आप लोगों के सामने ये रहा, तो व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिड हैव इन कॉमन, क्या कॉमन चीज़ें हैं बताओ बताओ। बहुत सारे यार ना तुम लोग के ऐसा होता है ना कि यार हम लोग ना बड़ी कॉमन, हम लोग बोलते हैं ना कॉमन कॉमन चीज़ें होती है, अपोजिट एट्रैक्ट्स, ठीक है। हम लोग के नेचर अगर कॉमन होते तो उन लोगों की बनती नहीं है ज़्यादा आपस में, तो इनमें क्या कॉमन है, वैसे तो सारी चीज़ें अलग है, लिटमस पेपर को देख लो तो टन, हम लोग अगर बेस की एसिड की बात करें तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है, और बेस की बात करूं तो मैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देता है, तो ये सारी चीजें अलग है, टेस्ट अलग है, ये अलग है। कॉमन चीज क्या है इनमें के बोथ एसिड एंड बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है दीदी, अब तो इसीलिए मैंने नीचे लिख दिया है विच मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये लोग इलेक्ट्रिसिटी बे टू प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दोनों में, है ना, एसिड में और बेस में। अब दूसरा पॉइंट ये है कि एसिड एंड बेसिस बोथ प्रोड्यूस आयंस, अब तुम लोग को पता है आयंस प्रोड्यूस करते हैं, देखो यार जब हम लोग एसिड को पानी में रिलीज करते हो खोलते तो हमें H+ आयन मिलता है, और जब मैं बेस को पानी में रिएक्ट करवाती हूँ ठीक है तब मुझे OH- आयन मिलता है। आयंस अलग अलग है पर आयंस तो मिल रहे हैं ना, H+ भी क्या होता है यहाँ आयन होता है, OH- भी क्या होता है यहाँ एक आयन होता है, तो तुम लोग देख सकते हो H+ एंड OH- हमें आयन मिल रहे होते हैं, ठीक है।
वॉट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, तो तुम लोग को पता ही है कि जब एक एसिड को तुम लोग डालते हो वाटर में तब आयन्स मिलता है, जब एक बेस को डालते हो वाटर में तब आयन्स मिलता है। तो चलो मैंने एक रिएक्शन तुम लोग को करके बता दी कि प्रूफ दे दूँ मैं तुम लोग CID ना बन जाओ कि दीदी जो पढ़ा रही हो सही है कि नहीं, इसीलिए यार मैं प्रूफ देने में विश्वास रखती हूँ। चलिए HCl जो कि मेरा क्या है, एक एसिड है, एसिड है ठीक है, इसको अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ ठीक है, मैंने क्या बोला एक एसिड को वाटर में जब हम लोग डालते हैं तो हमें क्या मिलता है H+ आयन, कौन सा आयन मिलता है H+ आयन। देखो यार यहाँ से तुम्हें H+ आयन मिल जाएगा, ये वाला H+ आयन ठीक है ये निकल जाएगा, पर ये H+ आयन ना बेटू अकेले नहीं जाते हैं ना, बहुत सी बार वो लगता है ना हमें बहुत सुनसान रास्ता होता है, हम अकेले नहीं जाते। मेरी अच्छा सिस्टर जो है ना रात को पानी पीने भी अकेले नहीं उठती, उसको बड़ा डर सा लगता है ना, तो हमें डर सा लगता है तो हमें कोई होना चाहिए हमारे साथ में जो हमें लेकर जाए ठीक है, या फिर बड़ा मतलब मैं ऐसा लगता है कोई पीछे आ रहा है, तो इसीलिए ये H+ आयन्स भी ना बड़ा डरपोक है, ये अकेला नहीं जाता है, तो ये क्या बोलता है कि H2O मतलब वाटर को बोलता है यार चल तू साथ में चल, क्योंकि मुझे अकेले रास्तों पर बड़ा डर लगता है, हमें किसी साथी की जरूरत होती है, अब तुम साथी से वहां मत पहुंच जाना, कौन कौन से लोचे कर रखे तुम लोग ने जीवन, समझ रहे हो, समझ रहे हो ठीक है, तब तो इसको कौन से साथी की जरूरत है, तो ये H+ आयन को वाटर वाले साथी की जरूरत है। तो देखो अब तुम लोग H को H2O के साथ अगर रिएक्ट करवा दोगे तो कितने H हो गए यहाँ, ये 2H और एक ये 3, तो ये H3O+ हो जाएगा, क्योंकि ये H पर तो पॉजिटिव है ना, तो ये H3O+ हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या मिला हम लोग को, H3O+ मिल जाएगा, देखो मैंने तुम लोग को यहाँ नीचे सॉल्व करके दिखा दिया, और Cl- आयन हमारा अलग हो चुका है, तो ये वाला क्लोरीन जो एक लौता क्लोरीन बचा ना इसको अलग कलर से हम लोग बना देते हैं, तुम लोग को ज़्यादा समझ में आया, ये जो अकेला क्लोरीन बचा है इसको हमने अलग से यहाँ डाल दिया है, ये रहा ठीक है, और ये वाली रिएक्शन आप लोग को नीचे दिखाई दे रही है। तब तुम लोग को पता चल गया कि अगर एसिड को या बेस को हम लोग पानी में डालते हैं तब हमारा क्या हो जाता है, तो हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, अकेला रहना पसंद नहीं है किसी को भी, सिंगल बड़ा दुख दे जाता है दीदी, हर कोई मंगल रहना चाहता है, बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो ठीक है, तो यार बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, ये एग्जिस्ट करते ये रहते हैं आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी एज शोन एज H+ एक्वस और हाइड्रोनियम आयन इज H3O+। ये देखो मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ बेटू, वहाँ ना हल्का सा मेरा पेन चल गया, इरेजर, वेयर इज माई इरेजर, H3O+, आई होप तुम लोग को दिख रहा होगा, तो ये टॉपिक भी तुम्हारा बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अब मैं बात करती हूँ कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, कितने कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड का सॉल्यूशन और बेस का सॉल्यूशन, ये आज हम लोग देखने वाले, आ देखे जरा किस में कितना है दम, चलिए देख लेते हैं, ये हम लोग को पता लगता है बेटू pH के थ्रू। अब pH क्या है वो मैं आप लोग को आगे बताने वाली हूँ कि pH क्या है और किस तरीके से हम लोग को पता चलता है। pH की कुछ कुछ वैल्यू होती है, देखो अब एक pH स्केल होता है हमारे पास, जैसे हमारे नॉर्मल रूलर स्केल होता है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे वैल्यूज लिखी होती, हमारे पास एक pH स्केल होता है जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और हमारी 14 तक वैल्यू जाती है। इसमें ना हम लोग ने दो हिस्से कर रखे, जैसे हम लोग डिवाइड करते थे ना स्कूल में कि गर्ल्स की टीम है ये बॉयज की टीम है, तो यहाँ हम लोग ने डिवाइड कर दी, ये एसिड की टीम है और यहाँ बेस की टीम है। शाबाश बेटा। तो एसिड की टीम में कौन कौन है, एसिड की टीम में 0 से लेके हमारे 6 तक मॉलिक्यूल है ना, 0 से लेके 6 तक के जो जो भी लोग है ना वो सभी एसिड में काउंट होते हैं, और अब हमने बोला कि 8 से लेके हमारे जो 14 तक के लोग हैं वो किस में काउंट होते हैं, हमारे बेस में काउंट होते हैं। तो दीदी व्हाट अबाउट 7, अरे 7 बताया था ना यार अभी, कुछ कुछ लोग होते हैं जो बीच के बंदर होते हैं, तो ये 7 कौन है, हमारा बीच का बंदर है ठीक है, तो 7 तो तुम लोग समझ जाओगे कि 7 हमारा बीच का बंदर है ठीक है, तो ये 7 बीच का बंदर, इसीलिए इसके ऊपर गोला लगा देते हैं। अब देखो यार जितनी कम होगी ना, मतलब अगर 0 है तो मैंने बोला था जितने ज्यादा तुम लोग H+ आयन रिलीज करोगे वो एसिड क्या होता है इतना स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब ये 0 पर हमारा मोर एसिडिक है, 1 पर अगर हम आते तो थोड़ा कम एसिडिक होता है, 2 पर आते तो ये भी मोस्ट एसिडिक है स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, 3 पर आते देखो इसका कलर हल्का हो रहा है तो थोड़ा सा लाइट एसिड है, 4 पर आते तो और लाइट हो गया, 5 पर आते तब और लाइट, और 6 पर आते तो ये बड़ा वीक एसिड में काउंट होने लग जाता है, 7 तो न्यूट्रल है क्या बात करें, 8 की बात करूं तो मैं क्या हो जाता है यहाँ, 8 कैसा हो जाएगा,
तो यहाँ तुम लोग एक सॉल्यूशन, यहाँ 8 हमारा कम बेसिक है, 9 भी थोड़ा कम बेसिक है, 10 अच्छा बेसिक है, स्ट्रांग बेस है, 11 मोर स्ट्रांग बेस है, 12 बहुत स्ट्रांग है, 13 मोर स्ट्रांग बेस है, और 14 तो बहुत तगड़ा वाला बेस है ना। इससे तुम लोग को बच्चा एक चीज़ समझ पड़ रही है, देखो ये लिटमस पेपर होता है, हम लोग क्या करते हैं, अब हमें कोई भी सॉल्यूशन दे दिया तो मैंने क्या करा, इस लिटमस पेपर को डुबा कर देखा, तो इस लिटमस पेपर में मेरी वैल्यू आ गई, ये कलर चेंज हुआ है, देखो ये कुछ रेड सा दिख रहा है, मतलब मैं बता सकती हूँ ये कलर मेरा हल्का हल्का मैच हो रहा है 3 से, अगर लेट अस सपोज अभी मान लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर मैंने लिटमस पेपर को किसी भी सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का हमें कुछ भी पता नहीं है ये कौन सा सॉल्यूशन, ठीक है, मुझे ग्लास दे दिया है, इसमें कोई एक सॉल्यूशन पड़ा है, मुझे नहीं पता कि कौन सा सॉल्यूशन, इसमें मैंने लिटमस पेपर को डिप किया, तो ये ना हल्का सा ये रेड कलर आ रहा है, तो मैंने बोला ये 3 वाला कलर, तो 3 कौन सी रेंज में आता है, ऑफकोर्स दीदी एसिड की रेंज में आता है, अभी हम लोग ने पढ़ के आए तो हमने बता दिया कि ये बेटू ये वाला जो लिटमस है ये क्या है, हमारा एसिड है, लिख लो इस पर एसिड, ठीक है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, तो यार देखो इसका कलर ना बहुत हल्का सा एकदम ग्रीन ग्रीन टाइप हो रहा है, एकदम ही हल्का, तो ये मैं बोल सकती हूँ कि ये ऐसा ये 8 के जैसा दिख रहा है मुझे ये कलर, है ना, तो 8 कौन होता है दीदी, ये वीक बेस है, पर ये है कौन, ये बेस है, इससे हम पता चल गए। अब देखो नेक्स्ट है, वापस हमें कोई सॉल्यूशन दिया है, उस सॉल्यूशन में हम लोग को इस लिटमस पेपर को डुबाना है, इट लिटमस पेपर का कलर ये एकदम डार्क ग्रीन हो रहा है, तो मतलब क्या बोल सकती हूँ कि मैं ये डार्क ग्रीन, या तो मुझे ये 10 या 11 जैसे मैं कुछ दिखाई दे रहा, लेट अस सपोज कि 10 दिखाई दे रहा है, तो 10 कौन सा नंबर किसके बीच में आता है दीदी, अभी तो बताया था 10 हमारा बेस होता है, ये देखो बेस होता है, तो इस तरीके से तुम किसी भी सॉल्यूशन में लिटमस पेपर डुबा कर पता लगा सकती हो, डूब जाना है ना। बताओ अब लिटमस पेपर को डुबाने की बात करिए, पर लोग हमारे प्यार में डूबते रहते हैं, तो लिटमस पेपर को तुम डुबा कर पता लगा सकते हो कि ये हमारा एसिड सॉल्यूशन है, बेस सॉल्यूशन है, किसके हेल्प से पता लगा सकते हो, क्योंकि उस पर जो भी कलर आया होगा विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल की मदद से हम लोग पता लगा सकते हैं, पीएच पर जो कलर होता है ना वो कलर हम लोग सेम मैच करके पता लगा सकते हैं उसकी वैल्यू के हिसाब से कि ये एसिड है या फिर हमारा बेस है। आई होप तुम लोग को टॉपिक समझ में आ रहा होगा पीएच वैल्यू को, ठीक है, पीएच वैल्यू को अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये तुम लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई है। पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट्स द एसिड और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। पीएच कुछ नहीं है, पीएच एक नंबर है जो हम लोग को बता रहा है कि वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और वेदर द सॉल्यूशन इज बेसिक, ठीक है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। देखो मैंने क्या बोला, हायर द हाइड्रोनियम आयन, अब हमने बोला एच प्लस आयन जितने ज्यादा रिलीज करेगा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो यार देखो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, 0 है या 1 है 2 है, ये 3 हम लोग के स्ट्रॉन्ग एसिड में आ रहे थे, 3 को भी ले लेते, तो मतलब यार जितना एच प्लस आयन रिलीज कर रहे इतना कम पीएच होगा, तो मैं क्या ऐसा बोल सकती हूँ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बताऊं ये बोल सकती हूँ मैं, इधर लिख लेते एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/pH। इतनी कम पीएच वैल्यू होगी, मतलब 0, 1 और 2 इसकी कम पीएच वैल्यू हो ना, स्टार्टिंग वैल्यू जो इतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली, ऐसा लिखते हैं ऐसा, ये ऐसा बना के 1/pH एच, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/pH, मतलब पीएच का नंबर जितना कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। वैसे ही अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो बेसिक स्ट्रेंथ का नंबर जितना ज़्यादा होगा, देखो यहाँ जो स्ट्रॉन्ग बेसिक स्ट्रेंथ कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, ये हो गया हमारे 12, 13, 14, ये स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट हो रहे, मतलब यहाँ पीएच का नंबर जितना ज़्यादा होगा वैसा ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, मतलब बेस स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेस स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, हमारा पीएच, जितना ज़्यादा पीएच का नंबर होगा, देखो पीएच का नंबर मैंने 12 रखा, तो पीएच में नंबर 12 तो बहुत बड़ा नंबर है ना, पीएच स्केल तो हमारी 14 तक होती है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है और पीएच भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैसे ही मैं बोलूँ कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, 0, 1 और 2, पर ये पीएच नंबर क्या है, बड़ा कम है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना कम हमारा पीएच का नंबर होगा उतना ज़्यादा हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो ये तुम्हारा पीएच वाला टॉपिक यहाँ खत्म होता है बेटू, यहाँ तुम लोग को लास्ट टॉपिक ये एक पैराग्राफ पढ़ा देती हूँ मैं, द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, मैंने बोला था कि न्यूट्रल कौन होता है, इसमें 1 से लेकर 6 तक की वैल्यू होती है वो एसिडिक होती है, और 8 से लेकर हमारी 14 तक की जो वैल्यू होती है वो बेस होती है, पर 7 जो क्या है, बीच का बंदर। वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन, हमने अभी पढ़ा है, एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7
7 to 14, 7 से 14 तक जब जा रही है, इट रिप्रेजेंट इंक्रीज इन OH- आयन कंसेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन डेट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली. वैल्यू लेस देन 7, 7 से वैल्यू जब कम होती है तब वो एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक सॉल्यूशन माना जाता है. और अगर मैं पीएच पे वैल्यू देखूं कि 7 से लेकर 14 तक की वैल्यू, तो वो एक बेस माना जाता है बिकॉज वो OH- आयन रिलीज करेंगे हमारे वाटर में. ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पीएच कंप्लीट हो गया. पीएच वैल्यू में तुम लोग देख सकते हो कि एसिडिक नेचर इंक्रीज, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ जाते हैं तो ऐसा मतलब एसिडिक नेचर कैसा ऐसा इंक्रीज हो रहा है. यहाँ एसिडिक नेचर बड़ा ज़्यादा है. देखो तुम लोग ये लाइन रिप्रेजेंट, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है. जैसे जैसे पीएच का नंबर बढ़ता जाता है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाती है. तो बस यही है कि वेरिएशन ऑफ अ पीएच विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन. तो ये तुम लोग को डायग्राम लर्न कर लेना है, ये वाला पूछा जाता है हमारा उसमें CBSE में, तो तुम लोग को लर्न कर लेना. पता नहीं यार मेरा पेन एकदम टक के चल रहा है, आई डोंट नो. ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन एवरीडे लाइफ. तो पीएच की क्या मतलब इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है हम लोग देखते हैं. आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? क्या प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं? पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेशन में कैसे पीएच काम करता है, पीएच चेंज द कॉज ऑफ टूथ डिके, इसमें कैसे हम लोग देखते हैं हमारे दांतों के, और सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर. ठीक है, सबसे पहले बात करती कि एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव. हाँ भाई साहब, एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते. देखो यार, एक ऑप्टिमम पीएच हमारी बॉडी का या फिर एनिमल्स की बॉडी का हम लोग अगर देखें तो वो होता है हमारा 7 से 7.8, मतलब न्यूट्रल होता है. तुम बोल सकते हो कि ये हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, है ना. 7 से लेके 7.8 तक का हमारे बॉडी का पीएच हमारा होता है. 7 से नीचे चला जाता है तब भी गड़बड़ी होने लग जाएगी, और 7.8 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब भी गड़बड़ी होने लग जाएगी. तो ये एक न्यूट्रल हमारी बॉडी का पीएच लेवल होता है, और एनिमल्स में भी. अब यार जब मैं बात करूँ कि द पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6, जैसे अभी बारिश का सीजन चल रहा है, बड़ी टिप टिप बरसा पानी, वैसी चीज़ें हो रही हैं. तो जब हमने बोला कि ये बारिश में जब रेनफॉल का पीएच 5.6 से कम हो जाता है, लेस देन लिखा है, तब हम लोग मानते हैं कि ये जो रेन हो रही है ना, ये एक एसिड रेन हो रही है. अब बात मानो यार, एसिड खुद ही हार्मफुल होता है. एसिड क्या होता है? हार्मफुल होता है. तो ये एसिड रेन हो रही है, मतलब ये कैसे हो रही है, ये हार्मफुल है. अब ये एसिड रेन, ये पानी कहाँ है? वेन एसिड रेन फॉल्स इन टू द रिवर. अब ये पानी बह के ना नदियों में चला जाएगा. जैसे मैं मतलब हम लोग नर्मदा के पास रहते हैं, तो तुम लोग अगर न्यूज़ व्यूज़ देखते हो तो नर्मदा के अभी सभी गेट्स खुल गए और नर्मदा के ब्रिज के ऊपर से पानी फ्लो हो रहा है, तो सभी रास्ते बंद कर दिए. मतलब जो भी बारिश का डायरेक्टली पानी है वो नर्मदा में आ रहा है, ठीक है, नर्मदा नदी में आ रहा है. तो इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर. तो ये क्या करता है, रिवर वाटर का पीएच कम कर देता है, जिससे क्या हो जाएगा, जो हमारे हमारी नदियों में या फिर हमारे लेक्स में जो सारे एक्वेटिक एनिमल्स हमारे जो रहते हैं, फिशेस हो गई और बाकी भी जो जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, उनकी जिंदगी बड़ी ही दुविधा में फंस जाती है, क्योंकि यार इतना एसिड रेन हो रही है और उसी एसिड रेन का पानी हमारे रिवर्स में जा रहा है, लेक्स में जा रहा है. तो द सर्वाइवल ऑफ अ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. बहुत सारे ना एक्वेटिक एनिमल्स हमारे मर जाते हैं एसिड रेन के कारण. तो तुम लोग देख सकते हो कि यार जब हमारे रेन वाटर 5.6 से कम हो जाता है. डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे काम आता है. यार देखो, मैं बड़ी फूडी सी हूँ, तुम लोग का नहीं पता, पर तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि दीदी मैं भी फूडी हूँ या मैं फूडी नहीं हूँ. तो हम क्या करते हैं, हम अपने पेट पर रहम ही नहीं करते हैं. मैं सबसे पहले बता दूं कि हमारे स्टमक का अवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तुम लोग को पता होगा कि हमारे स्टमक में क्या होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है. अब तुम बोलोगे कि दीदी हमारे स्टमक में है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो फिर हम जी कैसे रहे. नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पर उसके आसपास ना हमारे पास एक मेम्ब्रेन बनी होती है और एक कोटिंग होती है, जिससे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें हार्म नहीं करता. ये सारी चीज़ें डीप में मैं आप लोग को बायो में पढ़ाऊंगी, ठीक है, यहाँ हम लोग को केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करनी है. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस तरीके से काम करता है. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करता है. हम कुछ भी चीज़ें खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है और उसको डाइजेशन को फास्ट करता है और ये खाना डाइजेस्ट होता है. बहुत सी बार क्या हुआ कि चलो आज मेरे दोस्त ने पार्टी दी है, तब उसने पार्टी दी है तो मैंने ना उसको बड़ा लपेट लिया. मैंने पहले पिज्ज़ा खा लिया कि यार भाई तुझे इतनी बड़ी जॉब लग गई, क्या बात है, अरे तालियां तालियां, तो चल तू पिज्ज़ा खिला दे. तो उसने सबसे पहले मुझे पिज्ज़ा खिला दिया.
पिज्जा खाने के बाद भी मेरा मन नहीं भरा, मैंने कोक पी ली ठीक है, फिर भी मैं बाहर निकली तो मुझे मोमोज दिख गए, तो मैंने खा रहे हैं मोमोज भी खा रहे हैं। अब मुझे मेरे पेट पर जरा सा भी रहम नहीं है, मैं बहुत बड़ी मतलब वैसे बोलते हैं ना फूडी हो चुकी हूँ बेचारे, उस पर रहम ही नहीं कर रही। अब मैंने बाहर मोमोज खा लिए, फिर मुझे पानी बतासे दिखे, पानी बतासे भी खा लिए। यार तुम मतलब भाई साहब क्या कर रहे हो, पेट के कचरा पेटी भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो। अब यार बेचारा पेट ना बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका है तुम्हारा, अब तुमने इतना सारा खाना भर दिया है, उसको इतना सारा खाना डाइजेस्ट करना पड़ेगा, जितना खाना तुमने भरा है उसको डाइजेस्ट करने के लिए इतना ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। अब यार इतना सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होगा क्योंकि तुमने इतना सारा खाना खा चुके हो। अब बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब प्रोड्यूस हो जाता है तब वो हमें हार्म करने लग जाता है ना, हमारे पेट में एक जलन सी आने लग जाती है क्योंकि एसिड का अमाउंट हमारे पेट में इंक्रीज हो चुका है। बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने पर ना हमें पेट दर्द होने लग जाता है दीदी, यहाँ से पेट दुखने लग जाता है। तो पेट क्यों दुखता है, इनडाइजेशन की वजह से। ड्यू टू ओवर ईटिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक एंड विच, देखो ओवर ईटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है हमें स्टमक में एंड विच कॉजेज इनडाइजेशन, हमें गंदे गंदे डकार आते हैं बहुत सी बार है ना, हम लोग बोलते हैं हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते हैं बदहजमी के डकार आ रहे हैं, तुम लोग बताना तुम्हें कैसे बोलते, तुम्हारी मम्मी क्या सिखाती है। एंड प्रोड्यूस पेन एंड इरीटेशन, हमें पेन होने लगता है बहुत सी बार, हमें ना जलन होने लगती है, हम लोग बोलते सीने में जलन हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मेडिकल वाले के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो क्या करता है हमें एसिड को कम करने के लिए एक मेडिसिन देता है जो कि जिसमें थोड़ा हमारा बेस मिला होता है। एसिड को कैसे कम करेंगे, बेस डाल देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा है ना। शाबाश बेटा। तो हम लोग को क्या करता है, इन ऑर्डर टू क्योर इनडाइजेशन एंड गेट रिड ऑफ पेन, इनडाइजेशन को क्योर करने के लिए और पेन से हम लोग बिल्कुल छुटकारा पाने के लिए हम लोग बेसिस का मदद लेते हैं। अब बेस तुम लोग खा तो नहीं सकते हो ना, तुम लोग बोला कि दीदी NOH खा रही है, ऐसा नहीं खाना है, मेडिसिन में डाला होता है, तो हम लोग को बेसिस की मेडिसिन दी जाती है जो कि होती है एंटा एसिड। देखो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी आती है जो एसिडिटी कंट्रोल करती है, एंटा एसिड मतलब जो एसिडिटी का अमाउंट बढ़ गया है, एसिडिटी बोलते हैं ना हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में, एसिडिटी हो गई है यार तुझे, एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एंटा एसिड की मदद लेते हैं। बहुत सारी मेडिसिन आती है जैसे पेंटॉप हो गई हमारी तो ये एंटा एसिड होते हैं, या फिर हमारी पेन डी हो गई ये भी एंटा एसिड होती है, तो बहुत सारी मेडिसिन आती है। एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा, जब घर में रात को कुछ ना मिल रहा हो ना, और इनो वगैरह भी ना मिल रहा हो, ना पेन डी मिल रही हो, ना पेंटॉप मिल रही हो, ना कोई और मेडिसिन मिल रही हो, तो तुम क्या कर सकते हो, घर में मम्मी को पूछना बेकिंग सोडा रखा होता है, तो बहुत सी बार तुम जब ये खा तो लेते हो दर्द होने लगता है एसिड की वजह से, बहुत ज़्यादा एसिड की वजह से, तो कुछ नहीं पानी में बेकिंग सोडा मिलाकर पी जाना, उससे भी तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाए। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ द टूथ डिके। अब यार दांत खराब हो जाते हैं, टूथ डिके होता है, उसका क्या कारण होता है, देखो हमारा नॉर्मल ना टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। अब जब ना हमारा टूथ डिके कब स्टार्ट होता है, जब हमारे इसका पीएच ना 5.5 से कम हो रहा है। कम कब होता है, क्योंकि हमारी हरकतों की वजह से है ना, हम जो चीजें करते हैं ना जिंदगी में हमारी हरकतें हमें दुख देती। द एसिड बिकम अ स्ट्रॉन्ग इनफ टू अटैक द इनेमल ऑफ अवर टीथ एंड कोरोड इट दी सेट इन टूथ डिके। अब देखो बहुत सी बार क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ें खाते रहते हैं, हमने एक दिन ब्रश नहीं किया, दो दिन ब्रश नहीं किया, तो हमारे दांत में ना कीड़े लगने लग जाते हैं। अब यार ये कीड़े ऐसे नहीं होते कि दिखते हैं तुम्हारे दांतों में, दिखते नहीं है भाई साहब है ना, कि दांत अंदर तो सड़ने लग जाते, और ये कीड़े बड़े मोस्ट पावरफुल है, इतने सड़ने लग जाते हैं कि तुम्हें दांत निकालना पड़ता है। ये पीछे की जो दाढ़ होती है ना हमारी अक्कल दाढ़ जिसको बोलते हैं बहुत सारे लोगों को, उसमें पेन आने लग जाता है हमारी गलती की वजह से, क्योंकि हम इसीलिए बोलते हैं कि दो दिन में दो बार ब्रश किया करो एटलीस्ट, और हम एक दिन में भी एक बार भी नहीं करते। ऐसा नहीं कि तुमने एक या दो दिन ब्रश नहीं किया तभी तुम्हारा टूथ डिके हो गया, ऐसा नहीं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड जब हम लोग ऐसी गलतियां करते हैं तब हमारे दांतों में टूथ डिके हो जाता है। क्या कहता है, इट बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू अटैक द इनेमल ऑफ आवर टीथ, ये इनेमल पे हमारा अटैक करता है एंड कोरोड एंड सड़ा देता है इट दिस सेट इन टूथ डिके। अब देखो अब हम लोग इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि हमारा टूथ डिके ना हो, हमारा जो पीएच है हमारे माउथ का वो 5.5 से कम ना हो, कैसे कर सकते हैं, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इट डिके इज टू यू टूथपेस्ट है ना, पतंजलि का यूज कर लो, कोलगेट यूज कर लो, क्लोजअप यूज कर लो, कुछ भी कर लो, टूथपेस्ट यूज करो है ना, क्योंकि ये क्या करता है, ये बेसिक इन नेचर होता है और न्यूट्रलाइज कर देता है हमारे एसिड के इफेक्ट को। अब तुम बोलोगे दीदी एसिड मुंह में कैसे आ रहा है, अरे भाई साहब हम खाना खाते तो एसिड क्या करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो रिलीज होता है खाना पचाने के लिए, बहुत समटाइम्स क्या होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें माउथ के अंदर तक आने लग जाता है। अभी माउथ के अंदर तक तुम लोग बहुत दिन तक ब्रश नहीं करोगे ना तो ये माउथ के अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, जम जाएगा, कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मैंने तुम लोग को बताया कि एसिड अगर ज़्यादा हो जाए तो हम बेस की मदद लेते उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, या अगर बेस बहुत ज़्यादा हो जाए तो एसिड की मदद लेते हैं हम लोग उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब जहर जहर को काटता है ठीक है।
बहुत तेज हो रहा है। तो यहाँ हम लोग को बहुत ज्यादा एसिड हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेस की मदद ले रहे हैं। और बेस की किस तरीके से मदद लेते हैं, जो हमारा टूथपेस्ट आता है ना बच्चा, उसमें बेस मिला हुआ होता है। तुम लोग आज ही जाके इंग्रेडिएंट्स पढ़ना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि दीदी ये इंग्रेडिएंट है हमारे यहाँ, ये वाला टूथपेस्ट है और ये वाला इंग्रेडिएंट उसमें प्रेजेंट, सभी को बताना है कॉमेंट्स में, ठीक है। लास्ट है हमारा सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स और थ्रू केमिकल वेलफेयर। तो अब आप लोग को देखा है कि बहुत सी बार ना, एक मेरे को एक इंसिडेंट याद है, पता है आज तक, हमारी ईद का दिन था, जो ईद हमारा फेस्टिवल होता है, उस दिन मैं मेरे पापा की फैक्ट्री पे गई थी। वहाँ ना एक नींबू का झाड़ लगा हुआ है, ट्री है नींबू का, तो मैं उसके नीचे घुस गई थी, छोटी थी यार, इतनी अकल वकल नहीं थी, तो उसके नीचे ना मधुमक्खियाँ बड़ी सारी थी, वो मधुमक्खी ने मुझे डंक मार दिया था, कहाँ, एक तो यहाँ काटी थी और दूसरी यहाँ काटी थी, तो मेरी आईज है ना वो बहुत बड़ा हाथी जैसा बिल्कुल सूझ के पकौड़ा हो चुकी थी। क्योंकि क्या होता है, जब हमें मधुमक्खी डंक मारती है तो इरिटेशन होने लगती है, दुखने लग जाता है। हमारे यहाँ तो लोहा वोहा फेरते, अब तुम्हारे यहाँ क्या फेरते मुझे नहीं पता, क्यों इरिटेशन होने लगता है, क्योंकि मधुमक्खी जो होती है हमारी, जो हमारी बीज होती है, ठीक है, ये ना हमें एसिड छोड़ जाती है। देखो, बी स्टिंग लीव्स एंड एसिड, ये ना क्या करती है, एसिड छोड़ जाती है, विच कॉजेस पेन एंड इरिटेशन यूज ऑफ। अब हम लोग क्या करेंगे यार, वापस से इसने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा हमें डंक मार दिया, एसिड छोड़ दिया, जहां भी काटी यहां काटी या यहां, तब हम लोग क्या करेंगे। दीदी अभी आपने बताया कि एसिड ज्यादा हो जाए तो बेस की मदद लेते हैं, तो ठीक है यार, अब हम यहाँ बेस की मदद लेंगे। किस टाइप की बेस की मदद लेंगे, हम यूज ऑफ माइल्ड बेस, हल्का सा बेस लेंगे, जैसे बेकिंग सोडा हमारे घर में होता है तो तुम वो लगा सकते हो, ठीक है। ऑन स्टंग एरिया विच रिलीव्स गिव्स, स्टंग एरिया गिव्स रिलीव्स, जो भी तुम्हें जहां उसने मधुमक्खी ने काटा है, बाइट किया है, तब तुम लोग वहां क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बेकिंग सोडा लगा सकते हैं। बाइट से तुम किसी और बाइट की तरफ मत पहुंच जाना, बहुत सी बाइट की तरफ तुम पहुंच चुके होंगे अभी तक, है ना। चलो, स्टिंगिंग हेयर ऑफ अ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पे। अब देखो ना, बहुत सारी नेटल लीव्स आती हैं नेटल लीव्स, मतलब एक नेटल का जो पौधा आता है हमारा, नेटल लीव्स कैसे होती है, उसमें काटे 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 होते हैं ना, अब उसको अगर तुम टच करोगे ना तो उसमें भी एसिड होता है, जिसकी वजह से हमें वापस से इरिटेशन होने लग जाती, बिकॉज उसमें क्या हो जाता है, वो मिथेनोइक एसिड उसमें प्रेजेंट होने लगता है, कि वो मिथेनोइक एसिड हमारे, देखो ये हमारा एसिड इसमें भी था मधुमक्खी में, और जब नेटल लीव्स को हम हाथ लगाते तो उसमें कौन सा एसिड होता है, तो इसने स्पेसिफाई कर दिया कि उसमें मिथेनोइक एसिड होता है, जिसकी वजह से वापस हमें दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है और इरिटेशन होने लगता है, विच कॉजिंग बर्निंग पे। तुम लोग को एक तो मधुमक्खी का एग्जाम्पल याद रखना है इसमें, और दूसरा नेटल लीव्स का एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी बेटो। आप लोग का एक सॉल्ट वाला टॉपिक बाकी है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो मैं नहीं चाहती तुम लोग को बोर करना, नहीं तो तुम बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे और बोल दोगे खत्म, है ना, खत्म, बाय बाय टाटा। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी, इसी के हिसाब से हम लोग सॉल्ट वाला टॉपिक आप लोग का सेकेंड, इसके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आई बटन में भी पिन कर दूंगी, तो यहीं से आप लोग लेक्चर समाप्त करने के बाद वही वाला सॉल्ट वाला बिल्कुल टॉपिक पढ़ो, छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम, हाफ ईयरली के लिए हम लोग ने सारी चीज़ें आप लोग को कंप्लीट करवाए, चालू कर दिए, आप लोग को चपट ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर आप लोग को कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारी चीज़ें जानने के लिए, ठीक है। मुझे और आशीष सर को आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और आई होप तुम्हें लैपटॉप कैसा लगा ये प्लीज यार कमेंट्स में पिन करके जाना, बता के जाना, ठीक है, कि दीदी अच्छा लगा है, बुरा लगा है, ये आप इंप्रूव कर सकते हो, या थोड़ा धीरे बोलिए, ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आया, तो मैं बिल्कुल आप लोग की डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगी। साथ ही साथ बिल्कुल आप लोग की हसलर दीदी मतलब सकीना दीदी से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बुरा लगता है। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूं यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, ठीक है। और मैं मिलती हूँ उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में, इतने भी आप लोग के हाफ ईयरली में चैप्टर सारे उसको कंप्लीट करेंगे वन शॉट सभी लोग। आप लोग का चैप्टर वन आ चुका है, आप लोग के SST में बहुत सारे चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, तो जल्दी जल्दी जाओ जाके देखो, शेयर विद योर फ्रेंड्स और अपनी हसलर दीदी को बिल्कुल खुश कर दो एक सब्सक्राइब करके, एंड लॉट्स ऑफ लव। इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।